सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन्स रेनो 4 और 4 प्रो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो अपनी रेनो सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और काफी सारे कस्टमर्स को दोस्तों इन स्मार्टफोन्स का वेट है, क्योंकि ओप्पो रेनो सीरीज अपनी अच्छी स्पेक्स के लिए जानी जाती है एक अच्छे प्राइस पे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे ओप्पो रेनो 4 और इसके प्रो वेरियंट के बारे में, और यही नहीं दोस्तों आपको इनकी सभी स्पेक्स, प्राइस और लॉन्च के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्वागत आप सबका टेक लीवर पे। जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। सो गाइज, ओप्पो रेनो 4 के बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन दोस्तों अब इसकी काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और दोस्तों अब कंफर्म डिटेल आ चुकी है कि इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और कब होने वाला है इसका ऑफिशियल लॉन्च। तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं इनकी स्पेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके डिजाइन की। तो बैक से देखने में दोनों स्मार्टफोन आपको सिमिलर टाइप के लगेंगे, लेकिन फ्रंट से इनके डिजाइन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो ओप्पो रेनो 4 है वहां पे आपको ड्यूअल पंच होल का डिजाइन देखने को मिलेगा, वहीं पे दोस्तों इसके प्रो वेरिएंट में आपको सिंगल पंच होल मिलेगा और वहीं पे कर्व डिस्प्ले का आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। तो डिजाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे दिखते हैं दोस्तों, और हर बार की तरह इन्होंने डिजाइन के ऊपर काफी फोकस किया है अपनी ओप्पो रेनो सीरीज के अंदर। इसके बाद गाइज बात करते हैं इनकी डिस्प्ले के बारे में। तो ओप्पो रेनो 4 के अंदर आपको एक 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों जो कि ड्यूअल पंच होल के डिजाइन के साथ में आएगा। वहीं पे बात करें अगर इसके प्रो वेरिएंट के बारे में, तो यहाँ पे 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये एमोलेड स्क्रीन है जो कि आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलेगी। जो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन है दोस्तों वहां पे आपको थोड़ा कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो ये दिखने में इसको और ज्यादा प्रीमियम और एलिगेंट बनाता है। तो डिस्प्ले वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे होने वाले हैं और दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्टिल दोस्तों जो इसका 4 प्रो वेरिएंट है वहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ में। स्नैपड्रैगन 765G के साथ में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा ये प्रोसेसर है, जहां पे आपको कोई भी चाहे गेम खेलें या फिर कोई मल्टीटास्किंग करें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ओप्पो रेनो 4 के अंदर आपको 8GB तक का रैम और 128GB तक की स्टोरेज देखने को मिलेगी। वहीं पे दोस्तों जो इसका प्रो वेरिएंट है वहां पे आपको 12GB तक का रैम और 256GB तक की स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनके कैमराज की। तो आपको पता है कि ओप्पो रेनो सीरीज अपने कैमराज के लिए काफी फेमस है, और हर बार दोस्तों ये अपने कैमराज के ऊपर काफी फोकस करते हैं। तो दोस्तों जो ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन है वहां पे आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा लगा हुआ 48 मेगापिक्सल का, इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इसमें देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और वहीं पे एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। जो इसका प्रो वेरिएंट है गाइस वहां पे आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का लो लाइट वीडियो सेंसर दिया है, और इसके साथ ही एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया है। अगर इसमें फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 32 मेगापिक्सल का होने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों इनके फ्रंट कैमरा में और बैक कैमरा में डिफरेंसेस हैं जो कि इन स्मार्टफोन्स को अलग बनाता है एक दूसरे से। तो कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे होने वाले हैं, और डेफिनेटली गाइस आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी इन स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक 4000mAh की बैटरी दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, लेकिन जो चीज कमाल की है दोस्तों वो है इनकी फास्ट चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों काफी जल्दी से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे, और 65W की फास्ट चार्जिंग अब तक की सबसे बड़ी फास्ट चार्जिंग है जो आप स्मार्टफोन्स में देखते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है ओप्पो की तरफ से। तो ये थी दोस्तों सभी डिटेल्स जो कि अभी तक सामने आई है ओप्पो रेनो 4 सीरीज के बारे में। अगर बात करते हैं इनके लॉन्च की, तो चाइना में दोस्तों इनका ऑनलाइन इवेंट होने वाला है 5 जून को। तो ये 5 जून को इन स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाले हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों इनके प्राइस की, तो जो ओप्पो रेनो 4 स्मार्टफोन है वो 30,000 के अप्रोक्स से स्टार्ट होगा, वहीं पे ओप्पो रेनो 4 आपको 40,000 के बजट में देखने को मिलेगा। स्टिल दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में ये स्मार्टफोन कब तक आ पाते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि नेक्स्ट मंथ ये इंडिया में भी आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको मार्केट में ले पाएंगे। आप हमें बताइए दोस्तों कि आप ओप्पो रेनो 4 सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इन स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन या सुझाव है दोस्तों वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी टेक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।